हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हमारी क्लास है पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट को कंप्यूटर पे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसे मतलब कंप्यूटर के अलावा भी वैसे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि हम क्वेश्चंस अच्छे अटैम्प्ट कर सकें और इसमें मतलब अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो श्योर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़े मतलब टिपिकल कह सकते हैं इन्हें, और इनमें हमें बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन रखनी है और साथ में मतलब हमें एक्यूरेसी को भी मेंटेन करना है, स्पीड भी रखनी है। तो हम कैसे इसे करेंगे सॉल्व, कैसे कंप्यूटर पे किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और अभी प्रैक्टिस हम करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, इन बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स मतलब ये कहना चाहूँगा कि मतलब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वो आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। अभी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उसको अपनी हैबिट में ज़रूर बना लें, ठीक है। बाकी का क्या है कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, अभी ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर रहे हो देन कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम से 10 से 15 दिन पहले आप मतलब प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स कि पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट में होता क्या है, आप लोगों को पता होगा एक सेट ए होता है एक सेट बी होता है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि कितनी पिक्चर्स का प्लेसमेंट हो गया है मतलब प्लेस चेंज हो गया है, ठीक है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें समझ लीजिए कि मतलब अगर जैसे कि यहाँ पे क्या 6 आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 यहाँ पे आपको कुछ सेप दिए होंगे, अच्छी डिज़ाइन में भी दिए होंगे, यहाँ तो मुझे बनाने में दिक्कत हो रही थी लेकिन इसी टाइप के होंगे इतना श्योर है, और सेट बी में भी सेम होंगे। अगर सबकी पोजीशन सेम है तो हमारा ऑप्शन होगा ए। फ्रेंड्स अभी हम बताते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें यह है फ्रेंड्स कि स्पीड के साथ साथ में हमें मतलब ऑब्जर्वेशन को भी बहुत अच्छा रखना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, देखते रहें। तो फ्रेंड्स क्या है कि देखो मतलब पोजीशन को हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट यहाँ पे है ये, और देखो इसमें देखो ये है, ये भी इसमें सेम है, ये भी सेम है, फोर्थ वाला भी सेम है, और फिफ्थ वाला देखो एक स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, ये भी सेम है, और लास्ट में एक सर्कल है, ये भी सेम है, मतलब सारी की पोजीशन है वो सेम है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर दो पिक्चर्स की क्या होगी अगर पोजीशन चेंज होगी तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और तीन की होगी मतलब दो के लिए हो जाएगी, मतलब अगर सेम होगा फ्रेंड्स पूरा सेम होगा इधर का और सेट बी तो हमारा ए, और दो की पोजीशन अगर चेंज होगी तो हो जाएगा बी, तीन की होगी तो हो जाएगा सी, और चार की होगी तो हो जाएगा डी। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन अब हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्पीड मेंटेन रखनी है, कंप्यूटर पे कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे फ्रेंड्स पहले में देख लिया कि सारा मतलब सेम है तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पे आंसर लिख दो ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड में, तो देखो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली सेप हमें नज़र कैसे रखनी है एग्ज़ाम में, हमें इस पे नज़र और इस पे नज़र रखनी है, और माइंड में काउंट करना है कि कितने सेम नहीं है, ये चीज़ काउंट करनी है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे हमने यहाँ आगे ना यस आगे बढ़े तुरंत, तो क्या सेम है, नहीं, तो हम तुरंत यहाँ पे काउंट करेंगे 1, आगे वाला सेम, आगे वाला सेम, आगे वाला 2, माइंड में तुरंत हिट करेंगे 2, और यहाँ पे सेम, तो 2 मीन्स बी, इस टाइप से लगाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पे हमने देखा सेम नहीं है 1, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम नहीं है 2, और वहाँ पे सेम, तो सीधे क्या करेंगे 2 मीन्स बी, इस तरीके से लगाएंगे। और कंप्यूटर में क्या होगा फ्रेंड्स, आगे आपके मतलब यहाँ पे गोले होंगे, ऑप्शन होंगे, वहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है, इसी टाइप से देखते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होंगे, यहाँ पे आप लास्ट तक क्वेश्चन देखिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन घूम सकता है। जैसे देखिए पहला देखो देखने में लग रहा है क्या सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो सेम। अगला देखा, अगला क्या सेम है, देखिए बी वाला सेम नहीं है, क्योंकि इसमें एरो ऊपर जा रहा है इसमें नीचे आ रहा, तो हम कहेंगे 1, ये देखेंगे तुरंत बोलेंगे 2, क्योंकि देखो ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है 2, इसमें देखेंगे ये भी डायरेक्शन अलग है वो उधर जा रहा है इधर जा रहा है 3, सेम,
सेम, मतलब हम 1 2 3 सेम सेम इस तरीके से चलेंगे फ्रेंड, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे इसमें। तो पहला क्या हो गया फ्रेंड्स, सेम 1 2 3 सेम सेम, 3 3 मीन्स सी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले का क्या हुआ था, पहला सेम था, सेम और 1 सेम और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पहला सेम, दूसरा सेम है क्या, नहीं, दूसरा यहाँ पे इसका तीसरा, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार हमें ऐसा लग जाएगा कि हमारा जो, जैसे यहाँ पे ऐसे पोजीशन चेंज होगी, यहाँ पे जो दूसरा है वो वहाँ तीसरा है और तीसरा वाला इधर दूसरा है, तो इस चीज़ पे भी ध्यान देखना। हम देखेंगे सेम मतलब 1, इसे देखेंगे 2, इसे देखेंगे सेम, इसे देखेंगे 3 और इसे देखेंगे, मतलब 3 नहीं, ये भी सेम और ये भी सेम। तो हमारे कितने सेम नहीं है फ्रेंड्स, 2 सेम नहीं है। कौन कौन सा सेम नहीं है, एक तो ये वाला, इन दोनों की पोजीशन मतलब चेंज है, बाकी का देखो ये तीनों सेम है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरीके से आ सकता है, जैसे पहला सेम है नहीं तो हम गिनेंगे, मतलब 1, दूसरा 2, तीसरा सेम, सेम आगे 3 और उसके आगे 4, इस तरीके से। देखो पहला देखा 1, बहुत स्पीड से करेंगे तो 1, आगे देखा 1, आगे 2, सेम सेम 3, 4, 4 4 मीन्स डी। इस तरीके से फ्रेंड्स करेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि ये क्वेश्चंस आपको, बात रही क्वेश्चंस कितने आएंगे ये मैं बताना भूल गया, यहाँ पे क्वेश्चंस आपको 72 क्वेश्चंस भी 5 मिनट में मिल सकते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 36 क्वेश्चन 4 मिनट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस 72 क्वेश्चन 5 मिनट में मतलब कैसे करने हैं उस टाइप से करनी होगी। बाकी अगर 36 आ जाते हैं 4 मिनट में तो ये तो शायद हो जाएंगे बड़े आसानी से, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स इस मतलब इस टेस्ट बैटरी को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये काफ़ी टिपिकल है और इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड्स, किसी भी टेस्ट बैटरी को हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस करती रहनी है हर टेस्ट बैटरी की। और मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं होगा। यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड अगर ASM के भी क्वेश्चन मिले तो एक बार उन्हें ज़रूर देख लें, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें जो ALP पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक होंगे मैं आपको सारे कवर करा दूंगा, करा भी दिए हैं सारे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर टाइम बचेगा, अगर अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ASM के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब ALP से रिलेटेड हैं, उन्हें भी एक आध क्लास डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, अगर उन्होंने दे भी दिया तो उनका कोई भरोसा नहीं है कि मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम है कैंसिल करवा दें, ऐसा कुछ करवा दें तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यही कहूँगा कि ALP के जितने भी टॉपिक, जिस भी ALP की बुक में आपको क्वेश्चन जो मिले, हर टाइप का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो इस टाइप की सोच के साथ हमें तैयारी करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही ना, और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी का प्रैक्टिस करते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें फ्रेंड्स।